हां जी बच्चों अब हम आ जाते हैं बजट लाइन की थ्योरी पे जैसा कि अभी आपने देखा बजट लाइन के ऊपर कि बजट लाइन में एक कंज्यूमर के एक गिवन इनकम थे जिसको आप मनी इनकम भी कहते हैं ट्वेंटी रुपीज और एक एप्पल फोर रुपीज का और एक बनाना टू रुपीज का आपने जो भी कॉम्बिनेशन को देखा आपने जितने भी कॉम्बिनेशन को देखे उन सभी कॉम्बिनेशन में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से उसको अफोर्ड कर सकता है अगर वो फाइव एप्पल ले रहा है तो फिर जीरो बनाना और एक एप्पल फोर रुपीज का है तो फाइव एप्पल ट्वेंटी रुपीज का है अगर वो फोर एप्पल ले रहा है तो एक एप्पल फोर रुपीज का एंड फोर एप्पल सिक्सटीन रुपीज का और फिर उसके बाद वो दो बनाना तो वो चार रुपए का बीस रुपए हो गया तो आपने देखा कि एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को वो अफोर्ड कर सकता है वो बाय कर सकता है बजट लाइन क्या है तो बच्चे उसी शेड्यूल को हमने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब दिया हमने तो सारे कॉम्बिनेशन एक लाइन में आ गए और उन सभी कॉम्बिनेशन में आपने इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो जो बजट लाइन पे था उन सभी कॉम्बिनेशन को एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से और उस गुड्स के गिवन प्राइस पर अफोर्ड कर सकता है तो बजट लाइन क्या है बजट लाइन क्या है यह एक बजट सेट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसके गिवन प्राइस पर एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से उसको खरीद सकता है तो इसको हम क्या कहेंगे बजट लाइन कहेंगे तो अभी आपने बजट लाइन में चीज देखा कि दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे और हर कॉम्बिनेशन को एक कंज्यूमर उसके गिवन प्राइस पर और अपने गिवन इनकम से अफोर्ड कर सकता, सकता है खरीद सकता है यह चीज अभी हमने समझा है बजट और बजट लाइन में तो बच्चे आइए बजट लाइन को ही यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बजट लाइन को बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स न बी परचेज तो बजट लाइन क्या है एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अलग अलग कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है उसके गिवन प्राइस पर और अपने गिवन इनकम पर उस बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि फिर वो आपके इनकम से आपकी रेंज से बाहर चला जाता है तो क्या है बच्चे बजट लाइन बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेस्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइस जिसको आप खरीद सकते हैं गिवन इनकम और प्राइस से सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या कह रहा है बच्चे हर कॉम्बिनेशन का आपका जो कॉस्ट है वो आपके मनी इनकम के इक्वल है जो बजट लाइन पे जो पॉइंट है उन पॉइंटों की बात कर रहा हूं मैं जैसे कि आप देखें यहां पर एक कॉम्बिनेशन हमारे पास पे यहां पर स्टार्टिंग uh, कॉम्बिनेशन में आप फाइव एप्पल कंज्यूम कर रहे थे और एक एप्पल फोर रुपीज का है और फाइव एप्पल ट्वेंटी रुपीज का है बनाना जीरो तो बजट लाइन पर ये आपका पॉइंट था तो जो इस पॉइंट का कॉस्ट है ट्वेंटी रुपीज और एक कंज्यूमर की मनी इनकम भी है ट्वेंटी रुपीज नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे गए वहां पर आप फोर एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं और एक एप्पल कितने का चार रुपए का तो फोर एप्पल हो गया सिक्सटीन रुपीज का और उसके बाद आपने दो बनाना कंज्यूम करा साथ में एक बनाना टू रुपीज का और दो बनाना चार रुपए का तो जो आपका फोर एप्पल एंड टू बनाना का जो कॉम्बिनेशन है इसका कॉस्ट क्या है ट्वेंटी और आपकी मनी इनकम भी क्या है ट्वेंटी तो यही कह रहे हैं कि बजट लाइन पर बजट लाइन क्या है यह टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंटेशन पॉइंट्स है जिसे कंज्यूमर गिवन प्राइस पर और अपने गिवन इनकम पर परचेस कर सकता है और उन कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर के मनी इनकम के इक्वल है तो यहां पर क्या कह रहा है से देखते हैं बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेस्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइस सच दैट द कॉस्ट ऑफ इच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर अल्टरनेटिवली दूसरे वे में अगर बजट लाइन को पढ़े तो बजट लाइन इज अ लोकस मतलब पॉइंट लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दो गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है विच द कंज्यूमर कंज्यूम्स एंड विच कॉस्ट एग्जैक्टली हिज इनकम जिसकी कॉस्ट उसके इनकम के बिल्कुल बराबर होगी क्लियर है बच्चे तो ये हमारा था बजट लाइन की थ्योरी जिसको भी हमने शेड्यूल में समझा था अब उसको हमने थ्योरी में इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है जी बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर एट पे हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर एट पर है ट इज मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन तो आप ये सोच रहे को करके, कि सर ये से, किस तरीके से अलग है मीनिंग ऑफ बजट लाइन और यहां पर वट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन तो यहां पर आपका स्लोप वर्ड आ गया है तो यहां पर बजट लाइन पे नहीं उसके स्लोप पे डिस्कशन करना है हमें

कि बजट लाइन का जो है स्लोप कैसा होता है उसका ढलान कैसा होता है और ये किन चीजों पर डिपेंड करता है तो इस चीज को समझने से पहले आइए थोड़ा बजट लाइन के बारे में समझते हैं बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं देन उस लाइन के हम स्लोप या फिर उस लाइन के ढलान पर हम डिस्कशन करेंगे तो बच्चे यहां पर बजट लाइन को और उसके स्लोप को समझने के लिए सबसे पहले हम एक शेड्यूल ले, ले लेते हैं और शेड्यूल को आने से पहले एक चीज को आप समझिए कि कंज्यूमर है और इस कंज्यूमर की जो मनी इनकम है वो ट्वेंटी रुपीज है और ये कंज्यूमर अपने ट्वेंटी रुपीज को दो गुड्स पर एक्सपेंड कर रहा है वो दो गुड्स आपके पास में है एप्पल एंड बनाना तो दो गुड्स पे एक्सपेंड कर रहा है उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन तो एक कंज्यूमर अपने बीस रुपए की इनकम को डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे खर्च कर रहा है और उन कॉम्बिनेशन में एप्पल और बनाना है दो गुड्स हैं और एप्पल का प्राइस जो है वो चार रुपए है और बनाना का जो प्राइस है वो दो रुपए है क्लियर है बच्चे अब आप यहां पर देखें एक सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना तो फर्स्ट अगर हम लेते हैं ए e कॉम्बिनेशन तो कंज्यूमर यहां पर फाइव एप्पल कंज्यूम कर रहा है फाइव एप्पल परचेज कर रहा है एक एप्पल चार रुपए का तो पांच एप्पल हो गया बीस रुपए का और बनाना जीरो एक्सपेंड कर रहा है तो यहां पर आप देखें तो उसके पास में पूरी जो मनी स्पेंट अगर आप देखें खर्च कितना कर रहा है बीस रुपए क्लियर है तो कंज्यूमर कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है इसको बाय कर सकता है कंज्यूमर कंज्यूमर इसको परचेस कर सकता है अफोर्ड कर सकता है बाय कर, कर सकता है बात करते हम कॉम्बिनेशन एफ की तो इसमें एप्पल चार है और एक एप्पल चार रुपए का है तो चार एप्पल रुपीज का हो गया और आपका टू बनाना है और ईच बनाना टू रुपीज का है तो टू बनाना आपका फोर रुपीज का हो गया सिक्सटीन एंड फोर ट्वेंटी रुपीज का आ गया तो कॉम्बिनेशन एफ को भी कंज्यूमर बाय कर सकता है क्योंकि ये उसके बजट में आ रहा है क्योंकि ये उसके बजट में आ रहा है क्लियर है और आप देखिए इस चीज को कि जो आपके ये कॉम्बिनेशन का कॉस्ट है और जो एक कंज्यूमर की इनकम है दोनों क्या इक्वल है है ना इस चीज को अभी हम समझेंगे डायग्राम में बाकी तो आप ये समझिए कि कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर सकता है इसको परचेस कर सकता है बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन जी की तो कॉम्बिनेशन जी में एक कंज्यूमर थ्री एप्पल कंज्यूम कर रहा है और एक एप्पल कितने का है एक एप्पल चार रुपए का है तीन एप्पल कितने का हुआ बारह रुपए का क्लियर है और चार बनाना कंज्यूम कर रहा है और ईच बनाना टू रुपीस का चार बनाना आठ रुपए तो इस कॉम्बिनेशन में अगर हम आ जाएं जी पर तो बारह और आठ बीस रुपए एक्सपेंड कर रहा है तो हा कॉम्बिनेशन आप देखें जी को भी कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है उसको परचेस वो कर सकता है बात करते हैं हम एच कॉम्बिनेशन की तो यहां पर टू एप्पल ईच एप्पल फोर रुपीस एट रुपीस एंड आप देखें एट रुपीज तो यहां हो गया आपका और आपका सिक्स बनाना तो आपका ईच बनाना टू रुपीज तो आपका ट्वेल्व रुपीज एंड एट रुपीज ट्वेंटी रुपीज एक्सपेंड कर रहा है तो कॉम्बिनेशन एच को भी कंज्यूमर बाय कर सकता है बात करें हम आई के तो एक एप्पल चार रुपए चले गए और यहां पर अगर आप देखें आठ बनाना ईच बनाना दो तो सोलह तो आपका चार सोलह 20 रुपए एक्सपेंड कर रहा है तो आई को भी कंज्यूम कर सकता है एंड जे में जीरो एप्पल जे पे तो एप्पल पे तो खर्च हुआ ही नहीं एंड 10 बनाना तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 रुपए आपका कंज्यूमर का क्या हुआ खर्च हुआ है तो बेसिकली आप इसमें क्या समझ में आया आपको ये समझ में आया कि एक कंज्यूमर अपने मनी इनकम्स को टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे एक्सपेंड कर रहा है और उन सभी कॉम्बिनेशन को वो उसी के प्राइस पर जो प्राइस है चार रुपए दो रुपए उसी के प्राइस पर इन सभी कॉम्बिनेशन को जो कॉम्बिनेशन है इन सभी कॉम्बिनेशन को इन सभी कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है परचेस कर सकता है इनके गिवन प्राइस पर एक बात तो ये समझ में आ गई दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है इन कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट है इन कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट है कंज्यूमर के मनी इनकम के बराबर है लेकिन हमारा क्वेश्चन है स्लोप ऑफ बजट लाइन कि जो बजट लाइन है उसका स्लोप कैसा होता है और वो किन चीजों पे डिपेंड करता है तो स्लोप पे जाने से पहले बजट लाइन पे जाने से पहले आपको पहले बजट लाइन का डायग्राम ड्रॉ करना होगा क्लियर है हम बजट लाइन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं ओ एक्स अब देखें यहां पर गुड्स एक्स मान लेता हूं और यहां पर मैं एप्पल ले लेता हूं बजट लाइन को ड्रॉ करेंगे उस लाइन से फिर उसके स्लोप को समझेंगे ये गुड्स वाई बनाना ले लिया अब बच्चे एप्पल की क्वांटिटी के हिसाब से एप्पल को देखें अगर हम तो इसके हिसाब से प्लॉट करें एक्स पे एप्पल रिप्रेजेंट करें तो एक दो तीन चार और पांच एन बनाना दो चार छ आठ और दस आइए जरा एक बजट लाइन ड्रॉ करते हैं हम बच्चे बजट लाइन में अगर आप देखें यहां पर तो आपके पास में सबसे पहले ए कॉम्बिनेशन है जिसपे फाइव एप्पल है एप्पल कितने बनाना तो इस कॉम्बिनेशन को मैं कहूंगा ई e, जहां पर फाइव एप्पल और जीरो बनाना है कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो उसके इनकम में आता है मैं एफ की बात करूं तो फोर और टू एफ कॉम्बिनेशन की बात करूं तो फोर एप्पल प्लस टू बनाना एंड में किसको एफ कॉम्बिनेशन को भी कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपने गिवन इनकम से उसके बजट में है मैं अगर जी की बात करूं तो जी में थ्री एप्पल एंड फोर प्लस फोर बनाना अगर मैं एच की बात करूं बच्चे तो एच में टू एप्पल और सिक्स बनाना टू एप्पल और सिक्स बनाना एच में टू एप्पल प्लस सिक्स बनाना एच को भी अफोर्ड कर सकते हैं एंड आई में आपका एक एप्पल एंड एट बनाना वन एप्पल एंड प्लस एट बनाना और उसके बाद बात करें जे कॉम्बिनेशन की तो जीरो एप्पल जीरो एप्पल प्लस टेन बनाना इन पॉइंटों को अगर मैं यहां पर

जिन कॉम्बिनेशन को उसी के प्राइस पर कंज्यूमर अपने गिवन इनकम में परचेज कर सकता है और यह भी कहा गया था आपसे कि इनका जो कॉस्ट है कॉम्बिनेशन का कंज्यूमर के के मनी इनकम इक्वल होगा इसके अंदर भी आप कर सकते हो बट इससे बाहर नहीं जा सकते हो ये बजट पढ़ा अब स्लोप क्या है स्लोप मतलब ढलान तो स्लोप के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं अगर इस चीज को आप जरा ऑब्जर्व करें तो अगर आप इस चीज को बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखिए जरा एक एप्पल ये पहले जीरो एप्पल है और बनाना टेन है मैं अगर एक एप्पल बढ़ा दू तो फिर बनाना क्या हो गया आठ तो सेक्रीफाइस कितना कर दिया ये सेक्रीफाइस कर दिया दो बनाना एक और एप्पल बढ़ा दू तो बनाना सेक्रीफाइस हो गया कितना दो एक और एप्पल बढ़ा दू तो बनाना सेक्रीफाइज हो गया कितना दो और एक और एप्पल बढ़ा दूं, तो बनाना हो रहा है दो और अगर मैं एक और एप्पल कर रहा हूं बनाना बनानाइज हो रहा है दो तो स्लोप का मतलब होता है कि एक में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो दूसरा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है एक होता है पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिव रिएक्ट करने का मतलब होता है अगर आप एक बढ़ा रहे हो तो दूसरा भी बढ़ रहा है या फिर आप एक कम कर रहे हो तो दूसरा भी साथ के साथ ही चल रहा है वो भी कम हो रहा है इसको कहते हैं पॉजिटिव रिएक्ट करना वहां पॉजिटिव स्लोप बनता है पॉजिटिव स्लोप का पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब हो गया लेफ्ट टू तो राइट अपवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ जाता है बट यहां पर आपने देखा अगर आप एक बढ़ा रहे हैं कंजम्पशन

तो हर बार बार क्या है? Same है and constant है, constant बोलेंगे। हर बार दो ही हम sacrifice कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे satisfaction level पे डिपेंड नहीं करता है, हम कितना खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे पर। ये हमारे बजट पे डिपेंड करता है और प्राइस क्या होता है कांस्टेंट होता है प्राइस फ्लेक्सुबल नहीं होता हमारे की तरह, प्राइस फ्लेक्सुबल नहीं होता है हमारे प्राइस तो फिक्स है तो यहां पर आप देखें

स्लोप ऑफ बजट लाइन यूनिट्स ऑफ बनाना विलिंग टू क्या वो सेक्रीफाइस कर रहा है क्लियर है? एंड यूनिट्स ऑफ एप्पल और वो नीचे क्या जाएगा? क्या वो गेन कर रहा है तो यहां पर देखें इसको चेंज इन बनाना या चेंज इन एक्सिस अपॉन चेंज इन एप्पल क्लियर है बच्चे आपको तो दो सेक्रीफाइस कर रहा है यहां पर बनाना एक एप्पल के लिए क्लियर है बच्चे तो दो बनाना बनानाइस कर रहा है यहां पर कितने के लिए यहां पर एक यहां पर बच्चे एक एप्पल के लिए तो सेक्रीफाइसिंग रेट आपका हो गया दो एक एप्पल के लिए हर बार आपका स्लोप ये हो गया बजट लाइन का ये बच्चे इस चीज को हम प्राइस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था प्राइस कॉन्सेंट रहता है अगर आप देखें एप्पल एप्पल के प्राइस क्या है देखिए प्राइस को हम जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन भी कहते हैं तो स्लोप ऑफ बजट लाइन का एक और नाम है प्राइस रेशो इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है स्लोप ऑफ बजट लाइन है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज और जो आपने पढ़ा था ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन वो स्लोप ऑफ कर्व था एंड मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है तो प्राइस रेशो प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई दोनों गुड्स के प्राइस का रेशो उनके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा प्राइस ऑफ एक्स क्या है? चार आपको दूसरे का क्या है बनाना का दो तो दो हो गया तो ये बता रहा है सेक्रीफाइजिंग रेट क्या है दो प्राइस से पता लग जाता है प्राइस के रेशो से पता जाता है कि इसका डबल है ये डबल है प्राइस एक का दूसरे से तो अगर एक गेन करेगा तो दूसरा उससे कंपेटेबली डबल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्राइस अगर थ्री टाइम्स हो अगर उसको गेन कर रहे हैं तो दूसरा थ्री टाइम्स थ्री सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा तो प्राइस का रेशियो और बजट लाइन का रेशियो क्या होता है बिल्कुल सेम होता है अगर आप प्राइस को डिवाइड करेंगे तो ये वही बता रहा है कि आप एक के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और यहां पर भी ये बता रहा है कि आप एक के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो स्लोप क्या होता है स्लोप का मतलब होता है ढलान स्लोप दो तरीके के होते हैं पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप क्या होता है अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो इसे कहते है। का कैसा बनता है? दूसरा क्या होता है अगर एक बढ़ रहा है दूसरा, कम, एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड और पॉजिटिव का लेफ्ट टू राइट अपवर्ड और इसका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड तो इसमें अगर आप देखें अपने बजट में अगर एक को गेन कर रहे हैं दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपका बजट लिमिटेड है तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड

स्लोप तो ऑफ बजेट लाइन है इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्राइस एक का दूसरे से डबल है तो अगर मैं एक को गेन कर रहा हूं, और प्राइस प्राइस का डबल है ज़्यादा तो मेरा पैसा शिफ्ट हो जाएगा मेरा पैसा यहां शिफ्ट हो जाएगा तो दूसरा उसी हिसाब से फिर मेरा कम भी होगा प्राइस फाइव टाइम्स होता तो मेरा उस हिसाब से पैसा ज्यादा शिफ्ट हो जाता है यहां पर गेन करता तो दूसरा उसी हिसाब से कम भी होता क्योंकि बजट से लेते हैं ना अपने चीजों को तो इसको आप रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं प्राइस हैं।, हैं, हैं इसके हम क्वेश्चन नंबर एट के थ्योरी पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर एट हमारा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन तो बच्चे क्वेश्चन नंबर एट में हमने अभी इसको डिस्कस किया एक शेड्यूल से और इसको इसको डायग्राम भी बनाया हमने आइए में पढ़ते हैं तो बच्चे अभी तक हमने क्या सीखा है देखिए बच्चे पहले आप क्वेश्चन को समझिए व्हाट मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ बजेट लाइन बात किसकी कर रहे हैं स्लोप की कर रहे हैं और आपको क्या बताया है स्लोप के बारे में स्लोप का मतलब होता है ढलान तो इस तरीके से अगर नीचे गिरा हुआ है आपका डाउनवर्ड है तो इसको आप जो है नेगेटिव स्लोप कहते हैं और अगर अपवर्ड है तो इसको हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं तो स्लोप का मतलब हो गया ढलान तो जो बजट लाइन है इसके ढलान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो बजट लाइन में आपने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया है कि अगर आप एक कमोडिटी का कंजम्पन अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपका बजट लिमिटेड है आपका बजट लिमिटेड अगर एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो आपका बजट उस पर शिफ्ट हो गया तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आपका बजट तो तो दूसरे को सक्रिफाइस करना पड़ेगा तो दोनों दोनों चीजों में में गुड्स नेगेटिव रिलेशन है तो नेगेटिव रिलेशन में लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनता है तो नेगेटिव स्लोप बना था बजट लाइन का तो बजट लाइन में सेक्रीफाइजिंग रेट क्या था यह देखने की बात थी तो बच्चे आप देख रहे थे कि अगर एक एप्पल गेन कर रहे हैं तो उसके लिए हम दो बनाना सेक्रीफाइस कर रहे थे क्योंकि अगर आप एक एप्पल गेन कर रहे हो वो चार रुपए का है और एक बनाना दो रुपए का है अगर आप एक एप्पल गेन करोगे तो चार रुपए यहां लग गए तो उस हिसाब से फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बनाना तो चार रुपए यहां लग गए अगर आप बनाना से यहां पर शिफ्ट करेंगे तो वहां से फिर दो बनाना आपका सेक्रीफाइस जाएगा क्योंकि एक बनाना का प्राइस दो रुपए है क्लियर है बच्चे तो यहां पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम भी अगर आपने एक और एप्पल गेन करा तो बच्चे वो सेटिस्फेक्शन लेवल के केस में ऐसा होता है कि जैसे हम कंटिन्यू कंजम्पशन करते चले जाते हैं नेक्स्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है बट प्राइस के केस में ऐसा नहीं होता है आपका चाहे सर्टिफेक्शन ज्यादा मिल रहा हो या कम मिल रहा हो प्राइस तो तो कांस्टेंट रहता है तो नेक्स्ट एप्पल और कंज्यूम करोगे तो आपका चार रुपए और आपको सिफ्ट करने पड़ेंगे, चार रुपए करने और, करना पड़ेगा। फिर एक और चार रुपए उसके लिए भी देना है आपको बट चार देना ही पड़ेगा अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो चार रुपया बनाना करोगे दो बनाना आपका और सेक्रीफाइस होगा तो यहां पर आपने ये भी ऑब्जर्व किया था कि हर बार एक एप्पल के लिए दो

क्लियर है बच्चे तो एक को गेन करने के लिए दूसरे को जो सेक्रीफाइस करते हैं इस को ही हम क्या कहते हैं है. स्लोप तो वहां पर स्लोपार रेट ऑफ सब्सिट्यूशन था आपका वो आपका डिमिनिशिंग था पर बजट लाइन में कॉन्स्टेंट है क्योंकि प्राइस पे डिपेंड करता प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है तो एक कॉमोडिटी के कंजम्पशन के लिए दूसरे को आप जिस रेट से करते हैं उसको स्लोप ऑफ द बजट लाइन कहते हैं और स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये प्राइस पर भी क्या करता है डिपेंड करता है कि प्राइस क्या शिफ्ट हो रहा है वहां से कितना रेंज होगा तो दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको देखिए थ्योरी में क्या कहता है ये थ्योरी में कहता है द स्लोप ऑफ आ कर्व इज कैल्कुलेट एज अ चेंज इन वेरिएबल ऑन द वर्टिकल वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंजिंग ऑन द होरिजोनटल और एक्सिस मतलब जो वाई एक्सिस पे दूसरे में जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे जो एक्स एक्सिस में चेंजेस हो रहा है उससे इन द एग्जाम्पल ऑफ एप्पल एंड बनानास स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल बी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बनानास दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस बनाना की वो यूनिट जो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करना चाहता है फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल अब स्लोप ऑफ बजट लाइन का आपका फॉर्मूला क्या रहा यूनिट्स ऑफ बनाना कर रहे हैं डिवाइडेड बाई डेल्टा ए चेंज इन एप्पल इसको आपने देखा कि प्राइस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम क्योंकि जैसे हम तो कंजम्पशन करते हैं प्राइस शिफ्ट होता है दूसरे के यहां उतना ही प्राइस का शॉर्टेज हो जाता है तो प्राइस रेशियो भी बजट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी px अपॉन py तो ये है बजट लाइन की आपकी थ्योरी क्लियर है बच्चे हां जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर नाइन पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर नाइन है वाई स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेटेड बाय प्राइस रेशियो के जो स्लोप है बजट लाइन का मतलब कि एक को गेन करने के लिए किस रेट से सेक्रीफाइस कर रहा है ये सेक्रीफाइसिंग रेट इनके प्राइस के रेशियो पे क्यों डिपेंड करता है या इनका प्राइस का रेशियो क्यों रिप्रेजेंट करता है इनके स्लोप को ये आपको बताना है तो बच्चे आपको पता है एक बजट लाइन पर आप किसी भी पॉइंट पर चले गए उस पॉइंट को आप बाय कर सकते थे और उसको बाय करने में आपके एंटायर इनकम एक्सपेंड हो रही थी कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर आपने पकड़ा इवन अगर आपने ए कॉम्बिनेशन को भी लिया जहां पर आप फाइव एप्पल कंज्यूम कर रहे थे तो आपका एक एप्पल फोर रुपीज का तो फाइव एप्पल आपका ट्वेंटी रुपीज का और जीरो बनाना कंज्यूम किया था क्योंकि आपकी इनकम बची ही नहीं थी जब आप कॉम्बिनेशन एफ पर गए तो वहां पर आपने चार एप्पल कंज्यूम करा ईच एप्पल फोर रुपीज का एंड फोर एप्पल इक्वल टू सिक्सटीन रुपीज एंड फिर आप टू बनाना आप कंज्यूम कर रहे हैं तो टू बनाना आप कंज्यूम कर रहे थे तो वो आपका 4 रुपीज रुपी सम ले तो आपका दूसरे से आपको अमाउंट को शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके इंटायर इनकम है ही उतनी तो दूसरे को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल प्राइस एप्पल का आपका क्या था फोर रुपीज एंड बनाना का टू रुपीज तो जैसे ही आप एक एप्पल और गेन कर रहे हैं तो बनाना से चार रुपए शिफ्ट करें क्योंकि आपके इनकम तो हो चुकी है तो बनाना आपका कितना आया करता था बनाना का प्राइस आपका दो रुपए है तो वहां से फिर आपको दो बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम फिर से आप एप्पल बाय करते हैं तो बच्चे यहां पर बात सेटिस्फेक्शन लेवल की नहीं हो रही है या पर मैं प्राइस की बात करूं, तो आप जितने मर्जी का, प्राइस रहता है, प्राइस फिक्स रहता है। तो का फिर कंजम्पशन करेंगे तो फिर आपको चार रुपए लागू कहां से आपको बनाना से शिफ्ट करना पड़ेगा अब जब बनाना शिफ्ट करोगे तो बनाना एक दो रुपए का है तो दो बनाना शिफ्ट होगा तो जो प्राइस का रेशियो देख रहे हैं कि चार रुपए और उसका प्राइस दो रुपए तो ट्वाइस है प्राइस में तो दुगना आपका ये जितना सेक्रीफाइस इसको जितना गेन कर रहे हो इससे दुगना आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम फिर से अगर आप एक एप्पल कंज्यूम करते हो तो फिर आपको चार रुपए पे करने रहे हैं बनाना करोगे, दो बनाना बनानाइस कर दोगे क्योंकि एक बनाना की प्राइस दो रुपए है तो प्राइस पे डिपेंड कर रहा है ये कि कितना अमाउंट यहां पर लगेगा और वहां से कितना सेक्रीफाइस होगा क्लियर है बच्चे समझ रहे हैं इन चीजों को आइए जरा देखते हैं थ्योरी में क्या है वाई स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेडेड बाय द प्राइस रेशो के इक्वल उनके स्लोप को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है ये क्यों रिप्रेजेंट होता है कि एक एप्पल के लिए इतना बनाना होगा ये प्राइस प्राइज से कैसे रिप्रेजेंट हो जाता है बजट लाइन इंडिकेट्स आ पॉइंट ऑन द बजट लाइन इंडिकेट्स अ बंडल विच द कंज्यूमर कैन परचेज बजट लाइन का जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बंडल मतलब कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर उसको परचेज कर सकता है पॉइंट ऑन द बजेट लाइन इंडिकेट्स आ बंडल विच द कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग सो इफ द कंज्यूमर वांट्स टू हैव वन मोर यूनिट्स ऑफ गुड वन से एप्पल समझ में आया बच्चे

टू गेन वन एप्पल डिपेंड्स ऑन द प्राइज ऑफ द एप्पल एंड द बनाना इनके प्राइस पे डिपेंड करता है एप्पल इज प्राइज फोर रुपीज एंड बनाना इज प्राइज टू रुपीज इट मीन्स टू गेन वन एप्पल कंज्यूमर विल हैव टू रिड्यूस इज एक्सपेंडिचर ऑन बनाना अगर एक एप्पल का रहा है तो उसको बनाना सा एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना पड़ेगा बाय फोर रुपीज क्योंकि अगर एक एप्पल गेन कर रहा है तो चार रुपए है तो चार रुपए बनाना पे एक्सपेंड करना पड़ेगा कंज्यूमर विल हैव टू सेक्रीफाइस टू बनाना टू गेन वन एप्पल उसको फिर दो सैक्रीफाइस करना पड़ेगा इट मीन कंज्यूमर विल हैव टू गिव ऑफ ऑफ एप्पल एंड डिवाइडेड बाय बनाना तो आपका ये आ गया प्राइस ऑफ एप्पल फोर एंड प्राइस ऑफ बनाना टू तो क्या आया आपका टू तो एक एप्पल के लिए टू बनाना सेक्रीफाइस करेगा और सेक्रीफाइसिंग रेट को हम क्या कहते हैं स्लोप कहते हैं क्लियर है और हर बार ऐसा ही होगा प्राइस हर बार कॉन्स्टेंट है इसलिए बजट लाइन का जो है स्लोप क्या रहता है constant रहता है और इसकी वजह से बजट लाइन हमारा क्या रहता है एक स्ट्रेट लाइन रहता है और एक गेन कर दूसरा सैक्रीफाइस कर रहे तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड रहता है क्लियर है बच्चे ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो बजट लाइन का यहां पर हमने अभी तक अपना कवर कर लिया है